दोस्तों बिग बॉस सीजन 18 का इस बार का वीकेंड का वार एपिसोड इस सीजन का सबसे बेहतरीन एपिसोड होने वाला है। और ऐसा इसलिए क्योंकि इस हफ्ते पूरे हफ्ते आपने देखा कि घर के सभी कंटेस्टेंट ने गलतियां करने में कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ी है। फिर चाहे गाली गलौच हो, एक दूसरे के मम्मी पापा को लेकर भद्दे कमेंट्स करना हो, या फिर शो के अंदर धक्का मुक्की करना क्यों ना हो, इन सभी मुद्दों पर जो है खुलकर बातचीत होने वाली है। और यहाँ पर फ्राइडे एपिसोड को जो है एकता कपूर होस्ट करने वाली है, और एकता कपूर यहाँ पर घर वालों पर बिल्कुल भी रहम नहीं खाएगी। वो अपने हिसाब से जो है घर के सभी कंटेस्टेंट की लतार लगाने वाली है, और घर वालों ने जिस तरीके से जिस लेवल की गलतियां की है उनको उन्हीं के लेवल पर जाकर समझाया जाएगा। जी दोस्तों, सबसे पहले यहां पर बात कर लेते हैं रजत दलाल की, जिन्होंने कि इस हफ्ते गलतियां करने में कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ी है। फिर चाहे घर के अंदर फिजिकल वायलेंस हो, किसी को बुरा कहना हो, या फिर किसी के माँ बाप को लेकर कमेंट्स करने हो, गाली गलौज करना हो, बहुत ही बुरी बुरी गालियां दी गई है। आपने भी देखा होगा एपिसोड के दौरान अविनाश को किस लेवल पर जो है गालियां दी गई थी, विवियन डिसेना को किस तरीके से यहां पर जो है रजत दलाल ने गालियां दी थी, ये सारी चीज़ें दिखाई गई थी। और इन सारे मुद्दों पर जो है एकता कपूर रजत दलाल की कड़ी फटकार लगाने वाली है। वो रजत को बोलेगी कि आप यहां पर जो ना खुद से छोटे इंसान को केवल अपना जो है दबाव बना रहे हो, अपना अपना बल दिखा रहे हो, उसको डरा रहे हो, धमका रहे हो, आपसे होने कुछ नहीं वाला है, ठीक है। और अगर मेरे माँ बाप को लेकर कोई कमेंट कर देता तो फिर मैं घर के अंदर आकर उसे सही तरीके से बिठाकर समझाती। जी हाँ दोस्तों, इस दौरान एकता कपूर हाथ से थप्पड़ का इशारा भी करते हुए दिखाई देने वाली है, यानी कि वो साफ तौर पर कहना चाहती है कि अगर कोई उनके माँ बाप को लेकर इस तरीके से कमेंट कर देता तो वो उनको घर के अंदर आकर मारती। जी हाँ दोस्तों, इस तरीके से यहाँ पर एकता कपूर ने रजत दलाल को धमकाया है, उनकी फटकार लगाई है, कड़ी फटकार लगाई है, या फिर यूँ कहें कि यहाँ पर अविनाश को एकता कपूर का जमकर सपोर्ट मिला है। खैर दोस्तों, रजत दलाल भी चुप बैठने वालों में से नहीं है, केवल एक साइड का प्रोमो में दिखाया गया है। और रजत दलाल सलमान खान को भी मुंह तोड़ जवाब दे देते हैं तो फिर जाहिर सी बात है कि वो एकता कपूर के सामने भी चुप तो बिल्कुल नहीं बैठा होगा। और ऐसे में रजत ने क्या जवाब दिया होगा एकता कपूर को, ये देखना वाकई काफ़ी दिलचस्प होगा। हालांकि रजत को कहीं ना कहीं अपनी गलतियों का एहसास भी हो जाता है, और उसने गालियां वाले देने के बाद में कुछ समय बाद में माफियां भी मांगी थी घर वालों से। लेकिन अब किस तरीके से वो एकता कपूर का सामना करेंगे, उनको क्या जवाब देते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल दोस्तों, आप इस धमाकेदार एपिसोड को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट के जरिए ज़रूर बताएं। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए, ताकि बिग बॉस सीजन 18 और वीकेंड के वाले एपिसोड से जुड़ी हर छोटी मोटी अपडेट आप तक पहुंचे सबसे पहले।